हम बात करेंगे ओप्पो F19 और ओप्पो F19S जो डिवाइस है, इस डिवाइस की वजह से अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और कस्टमर का बीटा को इंस्टॉल किया था, पर उस अपडेट के साथ में उनको यहाँ पर AOD कस्टमाइज और रिलाइटिंग का जो फीचर्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये फीचर्स आपको कब तक देखने को मिलेगा और किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F19 और ओप्पो F19S डिवाइस के AOD कस्टमाइजेशन और रिलाइटिंग फीचर्स के बारे में। इससे पहले उन यूज़ को बताना चाहूंगा, अगर आपने अपने डिवाइस में कस्टमाइजेशन का बीटा फॉर्म को अप्लाई नहीं किया और आपका डिवाइस एंड्रॉइड 12 अपडेट पर रन कर रहा है और आप कुछ इंपोर्टेंट काम करते हैं इस वजह से आपने अपडेट नहीं किया है, तो आपको जो ऑप्शन आएगा तब आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बात करते हैं कि कस्टमाइजेशन का जो बीटा फॉर्म लाइव किया गया था वो यहाँ पर लिमिटेड सीटों के साथ प्रोवाइड किया गया था और वहाँ पर आपको जो कुछ इसको फॉर्म देखने को नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पर सीट से फुल हो गई होगी, तो यहाँ पर आपको वो फॉर्म देखने को नहीं मिला है। तो जब भी यहाँ पर सेकंड बैच को लाइव किया जाएगा तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी सबसे पहले, तो आपको एक्टिव रहना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन्होंने अपने डिवाइस में कस्टमाइजेशन का बीटा को इंस्टॉल किया है उनको यहाँ पर कीवर्ड में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो अपन कीवर्ड आता है ना उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको जो नॉर्मल अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा अभी 8 से 10 दिन बाद तो उसमें यहाँ पर वो सॉल्व किया जाएगा और भी आपको छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। अगर बात करते हैं AOD कस्टमाइजेशन और रिलाइटिंग फीचर्स के बारे में, तो ओप्पो F19 और ओप्पो F19S जो डिवाइस है इन दोनों डिवाइस में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब आपको AOD कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत तो कस्टमाइज देना चाहिए ओप्पो की ओर से और यहाँ पर इस लाइटिंग का फीचर्स तो प्रोवाइड करना चाहिए वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्या करना है, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है और वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दर्ज करना है ताकि इस पर कंपनी वर्क करे और आपको जल्द से जल्द इस फीचर्स को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वहाँ पर काफी समय से आपको एंड्रॉइड 12 अपडेट में भी देखने को नहीं मिल रहा है और अब जो बीटा अपडेट आया है उसमें भी आपको नहीं देखने को मिला है, और अगर हो सका कि एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन अपडेट आ गया उसमें भी अगर आपको देखने को नहीं मिला, इसलिए आप पहले एक ओप्पो कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सवाल करना है और यहाँ पर फीडबैक दर्ज आपका करेंगे तो यहाँ पर उस पर कंपनी का जो टीम है वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको ये दोनों फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस छोटे छोटे मीता और इस छोटे छोटे लाइक कर देना, एडमिशन कराना टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है तब तक, बाय बाय, टेक केयर।